तो आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं लेकिन टॉपिक के साथ कुछ अलग भी होना चाहिए। तो एक प्रॉब्लम है कि एक शीट्स है, एक फाइल है जिसमें बहुत सारे शीट्स के डेटा है, और जितने भी शीट्स के डेटा है मुझे चाहिए एक शीट पे, एक के नीचे एक के नीचे एक। ओके, कैसे करेंगे? तो मैंने क्या किया, उसी फाइल को मैं ओपन करता हूँ, ओपन डेटा एस को ही चलता हूँ, इसी को लेके चलता हूँ। नहीं, डेटा एस नहीं है सर, डेटा सी है। तो हम एक सीट ऐड करते हैं, उसका नाम रखते हैं डेटा। अब इस सीट पे इस सीट का डेटा कैसे आएगा, तो उसके लिए आपको जाना होगा डेटा मेनू बार के अंदर। डेटा मेनू बार में आप आते हैं तो क्या है कि आपके सामने यहां पे आता है गेट डेटा। गेट डेटा में आते हैं फ्रॉम फाइल, एक्सेल वर्कबुक को सिलेक्ट करते हैं। जो फाइल है इसी फाइल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा स्लो चलता है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यहां हम डाउनलोड में आते हैं, डेटा सी को लेते हैं एंड इंपोर्ट। अब इसमें कई सारे शीट्स हैं, थोड़ा सा टाइम लगे, कई सारे शीट्स हैं, तो आप एक बार में किसी एक शीट को यहां से इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है ना, लोड कर सकते हो। लेकिन मुझे सारे करना है, एक के नीचे एक के नीचे एक, तो यहां पे आता है सिलेक्ट मल्टीपल आइटम। दिख गया सर, सीट वन इसको सिलेक्ट किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया, और सीट सिक्स को भी कर लिया। अब यहां पे लोड टू आ रहा है ना सर, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर मैं लोड कर देता हूं तो छह अलग अलग डेटा बन के आएगा, इसलिए इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सारे के सारे डेटा आपके पावर क्यूरी पे चला जाएगा। ओके, पावर क्यूरी पे दिख रहा है आपको सर, अलग अलग शीट्स में पावर क्यूरी पे आ गया। लेकिन मुझे तो एक के नीचे चाहिए, तो यहीं पे आपको मर्ज क्यूरी दिखेगा और एक आपका अपेंड क्यूरी दिखेगा। दिखा सर, इस अपेंड क्यूरी में क्लिक करते हैं और अपेंड एज ए न्यू। यहां पे अपेंड क्यूरी करेंगे तो सीट फोर है ना सर, सीट के फोर के नीचे ही डाल देगा, लेकिन इसलिए हम यहां पे अपेंड एज ए न्यू करते हैं, पर एक नया शीट क्रिएट करेगा। और यहां पे टू टेबल्स, हमने बोला मोर देन टू टेबल्स, और एक एक करके हम इसको, मतलब कि पहले डालिए जो सा डालना है आपको, सीट वन, सीट वन के नीचे सीट टू, इसके नीचे सीट थ्री, इसके नीचे सीट फोर, इसके नीचे सीट फाइव, और इसके नीचे सीट सिक्स। Then, okay. Right? Clear sir? अब मैं इसको यहां से लोड एंड क्लोज करता हूं। थोड़ा सा टाइम लेगा, इंतजार कीजिए। अब यहां पे देखिए, अपेंड में तो डेटा कंपाइल तो कर दिया हुआ है, कंपाइल कर दिया ना सर, लेकिन यहां पे जितने भी शीट्स थे वो भी वापस लेके आ गया, समझे सर? ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो इस शीट्स को मैं यहां से डिलीट करता हूं। दोबारा हम इसको ट्राई करते हैं और इन सबको भी जो है बाकी सबको यहां से डिलीट कर देता हूं, क्योंकि हमें अगर मान लीजिए ऐसे 50 सीट हुए तो 50 नया सीट ऐड हो जाएगा ना सर, ऑलरेडी डेटा तो मेरी सीट पे है ही। तो हम चाहते हैं कि नहीं, जब डेटा अपेंड हो
सिर्फ जो डेटा मर्ज हुआ है वो आए, बाकी ना आए, समझे? तो उसके लिए इसी में थोड़ा सा अतिक्रमण करना होगा, कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा। तो सबसे वापस चलते हैं डेटा मेनू बार में, गेट डेटा फ्रॉम एक्सेल, जो एक्सेल फाइल खुली है उसको सेलेक्ट कर लिया, इंपोर्ट। उसके बाद सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, एक एक करके हम बाकी सारे सीट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां पे लोड की जगह पे लोड टू है ना सर, लोड टू पे क्लिक करते हैं और यहां पे ओनली क्रिएट कनेक्शन दिख रहा है ना सर, सेलेक्ट करके ओके कर। तो सीट नहीं हुआ ऐड, नहीं हुआ ना सर सीट ऐड, पहले हो गया था अब नहीं हुआ। अब यहां पे इसी में गेट डेटा में आते हैं, कंबाइंड क्यूडी दिखा सर, कंबाइंड क्यूडी के नीचे आपको दिखेगा अपेंड, यहां पे मोर देन थ्री टेबल और वन बाय वन अपने डेटा की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सारे शीट को यहां पे डाल, ठीक है? देन ओके। उसके बाद आप लोड एंड क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, आ गया। अब सिर्फ आया ही नहीं है सर, ये इसके साथ जो है लिंक भी है। कल के डेट में अगर हम यहां पे कुछ चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक नया नाम डालता हूं, मैं बाबर जी का ही नाम डाल देता हूं, ठीक है, और इसको सेव करता हूं, और जो यहां पे अपेंड वाला जो डेटा है हमारा उस पे जाता हूं और यहां रिफ्रेश करता हूं। अब यहां देखेंगे राइट क्लिक रिफ्रेश, आ गया ना सर, इस सीट पे लगाया था ना मैं, ठीक है सर। अब मैं कोई भी नाम अब ऐड करते हैं यहां पे होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पावर क्यूडी। आपको कई एक फोल्डर में से सारे फाइल को लेना हो, एक फाइल के अंदर लेना हो, आपको रिलेशनशिप करनी हो, इस सब चीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है पावर क्यूडी। आप लोग इस्तेमाल करके देखिएगा, बट इसके लिए आपके पास लेटेस्ट एक्सेल होना जरूरी है, पुराने एक्सेल पे वर्क नहीं करेगा।